वो देखते हैं आज गतिमान आवेश के कारण तूफान चुंबकीय क्षेत्र। देखिए आपको शुरू शुरू में बताया गया है, कई बार बताया गया है कि कोई अगर आवेश है प्लस क्यू आवेश है, अगर यह स्थिर है, क्या है स्थिर है, तो क्या उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही आवेश क्या हो जाए गतिमान हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो गतिमान आवेश के कारण हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। हालांकि स्थिर आवेश था स्थिर रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद होगा आपको 1/4π0qir2। लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, देखिए कैसे निकालते हैं इसको। कोई गतिमान आवेश है, मान लेते हैं ऐसे हमारे पास एक प्लेन है, जैसे प्लेन है, इस पर एक प्लस चार्ज ऐसे रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस है एक क्यू चार्ज है, और ऐसे भी वेग से गतिमान है, ऐसे भी वेलोसिटी से गतिमान है। तो इसके कारण हमें अगल बगल निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस साइड में चारों तरफ उत्पन्न होगा, जनरेट होगा, वो ऐसा नहीं कि एक साइड में होगा, चारों तरफ जनरेट करेगा ये। तो हमें अगर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो पॉइंट पी से क्या किया हमने, इस चार्ज को ऐसे ही मिला दिया, या डिस्टेंस क्या है आर है। अब देखिए इसका यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो पाम रूल से निकालेंगे, ऐसे चार्ज पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है उधर करंट फ्लो करती है। अगर हम करंट के अकॉर्डिंग मान लें इसको, तो अंगूठा इधर रहेगा इस टाइम में, ऐसे जो है लगेगा, यानी इसको ऊपर की तरफ बनाया जाए, ऊपर का मतलब हुआ ऐसे बाहर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हम इस एंगल को मान ले रहे हैं, ये एंगल हमारा है, ये क्या है, ये थीटा है, ऐसे थीटा है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया, माना प्लस क्यू आवेश कागज के तल में भी वेग से गतिमान है, वेग भी से थीटा कोण पर, वेग भी से थीटा कोण पर आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और कर लीजिए इसमें बताते हैं इसको भी। अब देखिए फिर मान लेते हैं इसे, माना प्लस क्यू आवेश डेल्टा टी समयांतराल में डेल्टा एल दूरी तय करता है, तो उसके समतुल्य धारा हम जानते हैं जब आवेश चलता है तो करंट जनरेट होती है, तो समतुल्य धारा अगर I बराबर पड़े होंगे Q by T, यहां पर लिखेंगे Q by डेल्टा T। इस समय अंतराल में, इस समय अंतराल में तय की गई दूरी डेल्टा एल बराबर भी इंटू डेल्टा टी, दूरी बराबर चाल होने समय, भी व्यक्ति चल रहा है डेल्टा टी समय में कितना दूरी तय किया, डेल्टा एल बराबर भी इंटू डेल्टा टी।
अब देखिए बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, डी बी बराबर म्यू जीरो अपान फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, नोट कर लीजिए। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, बी इज इक्वल टू डी बी की जगह पर बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डी एल की जगह पर क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एल, तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सभी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, आई के जगह पर क्यू बाई डेल्टा टी, देखिए यहाँ पे म्यू जीरो बटे फोर पाई, आई के जगह पर क्या लिखेंगे क्यू बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एल के जगह पर क्या लिखेंगे वी इंटू डेल्टा टी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है, बी बराबर म्यू जीरो अपान फोर पाई क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, भी और आर के बीच का, वेलोसिटी और आर के बीच का एंगल है। तो चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको भी लिख लीजिए वेक्टर के रूप में, वेक्टर के रूप में, तो यह हो जाएगा b बराबर म्यू जीरो अपान फोर पाई क्यू भी आर साइन थीटा बाई, ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई कर देंगे r की, और याद करिए आपको बताया गया है a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा बराबर a क्रॉस b, तो वी आर साइन थीटा बराबर वी क्रॉस r, इसको नोट कर लीजिए आप। और इसको ऐसे लिख लीजिए वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर वी बराबर म्यू जीरो अपान फोर पाई क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यू वी क्रॉस आर। देखिए इसका डायरेक्शन क्रॉस रूल से भी क्रॉस आर ऊपर, राइट हैंड पाम रूल ऐसे भी, यानी करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो याद रखिएगा ये भी भी क्रॉस आ रहा है, क्रॉस भी नहीं है भी क्रॉस आ रहा है, इसको आप याद रखिएगा, नोट करिए। नोट कर लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर वन से वन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये ध्यान देना है आपको। देखिए इस पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में
एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम, ए का मतलब एंगस्ट्रॉम, त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में 7×10^15 चक्कर लगा रहा हो तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देते हैं गिवन दैट, क्या क्या दिया है। गिवन दैट एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रेडियस दिया हुआ है R=0.5 एंगस्ट्रॉम या 0.5×10^-10 मीटर, और एक सेकंड में इतना, एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, उसको लिखते हैं n से, n बराबर 7×10^15 हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज कह रहा है। बी का मान बताइए। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज घूम रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6×10^-19 कूलम्ब, अब जानते हैं इतना दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे, हाइड्रोजन परमाणु के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर फार्मूला आपको बताया गया है μ0/4πqv sin θ/r² ये फार्मूला आपको बताया गया है। हमें क्यूब की जगह पर क्या लिखना है, ई आवेश क्या है, ई भी नहीं दिया है, आर दिया है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है ई, और भी वेग से ऐसे घूम रहा है, और ए होता है रेडियस आर। तो आप पढ़े हैं वृत्ति मार्ग, वृत्ताकार मार्ग में भी और आर के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये रेडियल वेक्टर है, त्रिज्य वेक्टर है, और ये क्या है, रेखीय वेग है, लीनियर वेलोसिटी। इन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा, ये भी बराबर पढ़े होंगे आर ओमेगा, इक्वल टू क्या पढ़े हैं, आर ओमेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं बी बराबर μ0/4π, क्यू के जगह पर ई, अब भी के जगह पर, अभी भी रहने दीजिए, I×sin90r². भी का मान पहले निकाल लेते हैं, यहां पे देखिए कैसे निकलता है भी का मान, भी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है 2πn, तो यह हो गया 2πrn। पहले पुट कर देते हैं यहां पे, तो यहां पर जब लिखेंगे तो देखिए क्या लिख रहे हैं, b इक्वल टू μ0/4π e, अभी के जगह पर 2πrn sin 90 का मान 1/r², r से 1 r कैंसिल्ड। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं, वैल्यू रखिए, μ0/4π का मान कितना होता है, 10^-7, e की वैल्यू 1.6×10^-19 × 2×π×n, n की वैल्यू कितनी है, 7×10^15। अब आई r की वैल्यू है 0.5×10^-10, अब हम इसको मिटाते हैं, अब सॉल्व किया जाए इसको। पहले ऊपर का अंक लिख लीजिए कितना है, अच्छा ये एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 16 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, पाई कर दीजिए, I×10^ और नीचे 5 कर दीजिए, 10^-10, ऊपर का पाव देखिए, ये -7 है,
ए माइनस 19 है, माइनस 19, अब माइनस 7 मिलेंगे तो कितने होंगे, माइनस 26। अब कितने होंगे, माइनस 19 अब माइनस 7 मिलेंगे तो माइनस 26, ऊपर 15 है, और नीचे से माइनस 10 जब ऊपर जाएगा, यहां मिटा दे रहे हैं, माइनस 10 जब ऊपर जाएगा तो 10 15 मिलकर के हो जाएगा 10^25। ये देखिए कितना हो रहा है, ऊपर हो गया 16 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 22 बटे 7 बटे 5 और गुणे 10^-1, तो 7 से 7 कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना, 16 गुणे अब 22 दूनी 44 बटे 5, 5 और 8 40, 5 और 8 40, तो यहाँ पर गुणा करना है, 8.8 में 16 का गुणा कर दीजिए, 8 × 48 के 8 हासिल 4, 8 × 48 48 और 4 है ना 52, और यहाँ हो जाएगा 88, 8 8 2 10, 8 5 13 14, 140.8, यह आ गया कितना, यहीं पर लिख दे रहे हैं, देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140.8 गुणे 10^-1 या 14.08 टेस्ला, इतना आएगा आंसर, 14.08 टेस्ला, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 2 × 10^-10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10^6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, पहले देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन दैट वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर बराबर 2 × 10^-10 मीटर, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का वेग भी इक्वल टू 3 × 10^6 मीटर प्रति सेकेंड, आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी आवेश को लिखते हैं क्यू, क्यू बराबर लिखेंगे E, 1.6 × 10^-19 कूलाम में, दिया नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, और कह रहा है कि V की वैल्यू बताइए, जब इलेक्ट्रॉन भी वेग से मूव करे तो फार्मूला V बराबर μ0/4π क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको लिखाया जाए, यहाँ पर B बराबर फार्मूला μ0/4π क्यू भी साइन थीटा पाई आर स्क्वायर। तो वृत्ताकार मार्ग है, इसे इसके सेंटर पे निकालना है, तो ये रेडियस होता है, और रेडियस इस वेलोसिटी के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 90 डिग्री, ये रेडियस है, और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, भी और आर, वेलोसिटी है, रेडियस है, इनके बीच का एंगल है, तो यह हो जाएगा 10^2, पहली बार फार्मूला को लिख लीजिए, μ0/4π क्यू के जगह पर E×V×sin90 बाई आर स्क्वायर, अब वैल्यू पुट किया जाए, कितना हो जाएगा, 10^-7 1.6 × 10^-19 इंटू भी गिवन 3 × 10^6 sin90 की वैल्यू 1 बाई आर की वैल्यू 2 × 10^-10 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर साफ कर दीजिए, इसको साफ करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए, पहले तो आप जितने डिजिट है, अंक है, उसको लिख लीजिए, तो यह है 1.6 है, 3 है, पावर टू एक पास देखिए,
पावर देखिए माइनस 19 माइनस 7 मिल करके माइनस क्या हो गया 26। अब पहले से है 10 टू पावर 6 और नीचे 2 का वर्ग 4 10 टू पावर माइनस 20 तो यह हो जाएगा कितना 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 और 4 त्याई 12 1.2 माइनस 20 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा ना तो 20 और 6 मिलकर के 26 और प्लस 26 माइनस 26 सब कैंसिल 1.2 टेस्ला ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल करिए। देखिए थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं हम। एक एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण 2×10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है r=1.0 एंगस्ट्रॉम, तो इसको लिख देंगे 1×10⁻¹ मीटर। अल्फा कण लिखा है, अल्फा कण का मतलब समझते हैं। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण या हीलियम का नाभिक होता है 2He4, इस पर जो आवेश होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये जानिए आप, हमेशा याद रखिए ये कौन सा कण है, अल्फा कण किसका नाभिक होता है, 2He4 हीलियम का नाभिक होता है। इस पर जो आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी इस पर आवेश क्या हो जाएगा 2×1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ये आपको जानना पड़ेगा। तो अल्फा कण दे दिया हुआ है और सब कुछ ठीक है। वेलोसिटी दिया हुआ है 2×10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, और जब वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है तो जानते हैं एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये तो आप फटाफट लिख दीजिएगा V=μ0/4πQVsinθ/r² क्यू के जगह पर 16×32 3×2×10⁻¹⁹ भी के जगह पर 2×10⁶ साइन थीटा के जगह पर 90 आर के जगह पर 10⁻¹⁰ हल करिएगा आ जाएगा। इसका आंसर आप नोट कर लें, आएगा ये 6.4 आंसर, जो इसका आएगा 6.4 टेस्ला, नोट कर लीजिए इसको आप हल करिएगा।